अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हु आर यू? होपफुली आप वेल होंगे और अभी तक आपने अपने तमाम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4.3। एंड 4.3 में क्या है जी? हमारे पास सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है कि जो हमने ऑलरेडी एक किस्म के इसके सारे क्वेश्चन पहले कर चुके होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी बस चेंजिंग होती है। अंडर रूट की फॉर्म में होती है वैल्यूज़, उसको हमने कुछ अंडरस्टैंड करना है। अंडर रूट में हमने फैक्टर वगैरह लेने होते हैं जो कि आप बार बार ले रही हैं। वैल्यू ए जो होती है बेस सेम होती है, पावर प्लस करनी होती है या बेस सेम होती है, और वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में होती है यानी माइनस में लेके जाना होता है। ये सारी वैल्यूज होती है जो हमने पहले 4.3 तक सारा कुछ पढ़ चुका होता है, वही सारा कुछ इसमें यूज़ हो रहा होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सॉर्ट के बारे में देखते हैं। सॉर्ट क्या है? तो सॉल्ट से पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमने पढ़ा था रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। तो और हमारे जो रैशनल नंबर थे वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें और Q हमारा जो है वो ज़ीरो ना हो। और इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं? जो हमारे पाई होते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। आपको ये दो चीज़ें याद हैं। तो अब हम आते हैं अपने सॉल्ट की तरफ। तो बल्कि ये पढ़ने के बाद जो हमने ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, और सेकंड चैप्टर में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ये इस तरह की एक वैल्यू हमारे पास दी हुई थी रेडिकल एंड रेडिकेंट्स के बारे में। तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमारे पास ये जो अंडर रूट का साइन है ये किसका साइन है? रेडिकल इंडेक्स का साइन है। ये जो हमारे पास इसकी पावर एन है वो क्या है? रेडिकल साइन है। और ये जो हमारे पास रियल नंबर ए आ रहा है ये क्या है? ये हमारे पास रेडिकेंट है। तो अब इसी चीज़ को जो हमारे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आपको याद है, तो अब उसी चीज़ के ऊपर हम सॉल्ट पे आ जाते हैं। सॉल्ट क्या है कि ये हमारे पास सेम वैसी चीज़ या वैसी सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये जो n है ये क्या है? सॉल्ट इंडेक्स है। क्या है? सॉल्ट इंडेक्स। यहाँ पर ये क्या था? रेडिकल। यहाँ पर ये क्या था? रेडिकल इंडेक्स था। यहाँ पर ये क्या है? सॉल्ट इंडेक्स है। और यहाँ पर जो हमारे पास ए गिवन है, ए क्या है हमारे पास? यहाँ पर रियल नंबर था, यहाँ पर हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। रैशनल नंबर्स में क्या है? ये हमारे पास ए रैशनल नंबर में है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो इस ए को हम क्या बोलेंगे? रेडिकेंट। यहाँ पे इस ए को हम क्या बोलते थे? रेडिकेंट। यहाँ पे इस ए को क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। सेम बात होगी यहाँ तक, डिफरेंस वर्ड का या सॉल्ट का और इसमें रेडिकल का। क्लियर है जी? अब ये जो हमने इसका ये थीम समझ लिया कि इस वैल्यूज़ को पढ़ते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है इसकी कि इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट, इरेशनल रेडिकेंट विद रैशनल रेडिकेंट, ये अप्लाई होगा। इसको हमने करना क्या है कि पहले आप ये समझ लें कि कौन सी वैल्यू इसमें आ सकती हैं सॉल्ट में और कौन सी वैल्यू सॉल्ट में नहीं आ सकती। ये हमारी कौन सी वैल्यू हैं? ये भी इरेशनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये इरेशनल वैल्यूज़ जो हैं इरेशनल नंबर हैं, लेकिन ये सॉल्ट में नहीं आ सकते। पाई कभी भी सॉल्ट में नहीं आएगा। अंडर रूट जैसे 19 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू जो है जब अंडर रूट के अंदर इस तरह अंडर रूट होगा ये सॉल्ट में नहीं आएगा। सॉल्ट में कौन सी वैल्यू आ सकती है? अंडर रूट 5 आ सकता है, अंडर रूट 7 की पावर, अंडर रूट 7 है उसकी पावर 3 है वो आ सकती है, या इस फॉर्म में जो होती है ये सॉल्ट की वैल्यूज़ बन सकती हैं। ये तुम्हारा सॉल्ट का वो थोड़ा सा ओवरव्यू जो कि आपको बता दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर कि हमारी इस एक्सरसाइज में क्या है। तो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट 180। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इसमें आपको इसको आपने क्या करना है, वो कहते हैं जी सिंप्लीफाई करें सॉल्ट को। तो 180 है तो आपने 180 के क्या बनानी है? फैक्टर। तो 180 के ये फैक्टर बन जाएंगे आपके पास 315 एंड 35 एंड 5। ये आप करते आ रहे हैं अभी तक सारे वैल्यूज़ इस तरह से परफॉर्म करते आ रहे हैं। 1 2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 5, किसका स्केयर बन जाएगा? 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 5 आ जाएगा। इसको अलहदा कर लेंगे, स्केयर अंडर रूट 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5, इसका स्केयर ख़त्म हो गया अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 इस अंडर रूट के ऊपर, इस 5 के ऊपर अंडर रूट आएगा, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल,
टू थ्री का सिक्स अंडर रूट फाइव पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल बात है, यहाँ पे सिंपल आपने फैक्टर बनाए, पुट कर दी वैल्यूज़ लिख दी, स्केयर बना दिए, स्केयर के अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा सिक्स अंडर रूट फाइव। ये था जी हमारा 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर वन है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। तो उस टू वाले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ये था इसका पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर टू एज सच भी ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलें, थ्री अंडर रूट जी याद रखिएगा, इसमें ये जो थ्री है ये अंडर रूट से बाहर है। तो 162 इसका 2 8 का 16, 2 1 का 2, 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 एंड 4 ये बन जाएंगे। अब 3 अंडर रूट 2 लैदा हो जाएगा ओवर अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें, ये स्केयर बनेगा, ये भी स्केयर बनेगा, ये 3 की पावर मैंने स्केयर एंड 3 की पावर स्केयर क्यों बनाई, क्योंकि मैंने एक बात पहले की थी कि आप जब अंडर रूट देखें कि अंडर रूट के ऊपर क्या वैल्यू है। सिंपल अंडर रूट किसके इक्वल होता है, सिंपल अंडर रूट ये होता है 1/2 के इक्वल। तो मैंने इसका स्केयर बना दिया, इसका भी स्केयर बना दिया, इसको मैं 1/4 भी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बाहर अंडर रूट है तो 1/2 होगा। तो मैं ये याद रखें कि हमारे पास हमने इसके पावर स्केयर बनानी है, इसकी पावर स्केयर बनानी है, क्योंकि बाहर टू, बाहर अंडर रूट आ रहा है और उसकी वैल्यू 2 है। इसको जब हम करेंगे साल तो आ जाएगा अंडर रूट 3 की पावर 2, अंडर रूट 3 की पावर 2, 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये 2 अंडर रूट से कैंसिल, ये 2 अंडर रूट से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा जी आपका, 3 3 का 9, ये वाला 9 इस वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 27। तो 27 अंडर रूट 2 ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में वैल्यूज़ भी दी हैं और उसकी पावर भी। स्टूडेंट साहब, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ये हमने 128 के फैक्टर बना लिए हैं। तो जब 128 के फैक्टर बना लिए तो ये फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये फैक्टर बन गए हमारे यहाँ पर। ये 3/4 अंडर रूट 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3, क्योंकि हमारे बाहर 3 है, तो ये 3 आ गया एंड ये 3 आ गया 2 की पावर 3, ये पीछे हमारे पास 2 रह गया। जब हम इनकी पावर को अलहदा करके लिखेंगे यहाँ पर, 2 की पावर 3 ये अंडर रूट 3, 2 की पावर 3 अंडर रूट 3 एंड 2 की पावर 2, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये पावर इस अंडर रूट से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2, ये 2 1 था, 2 2 का 4, 2 1 था, 2 1 था 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने 128 के फैक्टर बनाए और 128 के फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इसके सिंपल फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, हमने इन फैक्टर्स को यहाँ पर पुट किया और 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 के हमारे पास फैक्टर बने। हमने इन फैक्टर्स को यहाँ पर पुट किया तो ये 3 एंड 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 2 आ गया। यहाँ पर ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 हमारे पास आंसर बच गया, ये हमने अंडर रूट 2 आंसर इधर लिख लिया और ये वैल्यूज इससे कैंसिल होगी और 3 अंडर रूट 2 की पावर 3 क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, उसका हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। तो इसमें आ जाएं पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास, अंडर रूट 596, x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8
पहले हम क्या बनाएंगे, 96 के फैक्टर बनाएंगे, तो 2 4 8 एंड 2 8 का 16, 2 2 का 2 4, ये हमारे पास इसके बन गए फैक्टर। हम यहाँ पे लिखेंगे इन फैक्टर्स को 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखें ये 5 है तो इसकी पावर आ जाएगी 5 और अंडर रूट 5 आ गया मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अब ये जो बाकी की वैल्यू है ये हमारी वैसे की वैसे ही इसके साथ लिखी जाएंगी, ये x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8, x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8, ये अंडर रूट जब लैदा होगा तो आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्या है, x की पावर 6 है, y की पावर 7, z की पावर 8 और ये है 5। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये अगर x की पावर 6 है तो हम इसको क्या कर लेंगे, अगर x की पावर 5 मल्टीप्लाई x करेंगे तो बेस सेम हो जाएगी तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब हम इनको ऐड करेंगे, इसको हम इस तरफ रफ वर्क में करके पहले देखते हैं कि हम इसको क्या करना चाह रहे हैं। उसमें ये है, अगर हमारे पास x की पावर 6 है तो हम कहते हैं x की पावर 5 डॉट x, यानी कि इसकी पावर 1, बेस सेम होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस, तो दोबारा क्या आ जाएगा, x की पावर 6। इसी तरह y की पावर 7 है हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो हम इसलिए इसको 5 ला रहे हैं, तो y की पावर 5 डॉट y की पावर 2, बेस सेम है, पावर आपस में मल्टीप्लाई और प्लस होंगी तो दोबारा से 7 आ जाएगी। इसी तरह z की पावर 8 है तो z की पावर 5 डॉट z की पावर 3, जब हम हमारी बेस सेम है, पावर आपस में प्लस होगी, दोबारा 8 आ जाएगा, हमने यहाँ पे 5 5 5 लाया क्योंकि हमारा अंडर रूट जो है वो 1/5 है और उसकी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब हम जिसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख के तो इनकी वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं, कि ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये हम कैसे करेंगे, ये 2 इस अंडर रूट 5 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 की पावर 5 आ गई। अब ये सारा प्रोसेस होगा, हमारे पास ये 5 है, x की पावर 5 डॉट x मल्टीप्लाई y की पावर 5 डॉट y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 5 डॉट 3, ये हमारे पास आ जाएगा। ये जब अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे, यहाँ से अंडर रूट इसका लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x की पावर 1/5 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 y की पावर 2 1/5 z की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 z की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये 2 अंडर रूट 3 की पावर 5 आ गई, ये इससे कैंसिल होके x आ गया, ये अंडर रूट x जो है ये इस तरह 5 में आ जाएगा, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, y डॉट अंडर रूट y क्या आ जाएगा, ये देखेंगे, हमने पहले पढ़ के आए थे कि अगर 2/5 हो जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, तो ये y की जो ये जो 1/5 है जो डिनोमिनेटर है वो हमारी इसके रूट बनेगा और जो हमारी ऊपर वाली पावर की वैल्यू है वो इसकी पावर बनेगी। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए थे। यहाँ पर ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, z आ जाएगा, और यहाँ पर z है तो z के लिए भी वही देखेंगे हम यहाँ पर कि z की पावर क्या है, 3/5 है, तो इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा रूट बनेगा और जो हमारी इसकी न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो हमारी पावर बनेगी। ये भी हम पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ रहे हैं, ये आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2xyz, जो बगैर अंडर रूट के वो एक तरफ कर लें और जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उन सब को आप अंडर रूट में कर लें, 5 3 आ जाएगा, x आ जाएगा, y की पावर 2 आ जाएगी, z की पावर 3 आ जाएगी और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। होपफुली कि ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हो गया। अब आपको हमारे पास क्या था, x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर 8, इनको हमने अंडर रूट 5 के फॉर्म में लाने के लिए इनके ब्रेकअप किया, जो वैल्यू बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, वापस वही वैल्यू आ गई और इन वैल्यूज़ का अंडर रूट लिया तो 5 1/5 वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, बाकी के ऊपर अंडर रूट आ गया और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2xyz अंडर रूट पावर अंडर रूट 5 का 3x y स्क्वायर
एंड वॉइस केयर Z3 ये हमारे पास आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब हम करते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी क्या आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। तो 18 के क्या बनाएंगे हम, वही फैक्टर बनाएंगे। 2 9 18 3 एंड 3। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने के दो दो मेथड भी आ जाते हैं। आप इनका यहाँ पे इनका स्केयर ले लें, इनका अंडर रूट ख़त्म कर दें, इनको रैशनलाइज कर लें, या सिंपल x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर अंडर रूट 3 इनको लहदा लहदा लिख लें। यहाँ पर ये वैल्यूज ऑलरेडी नीचे लिखी हुई हैं लहदा लहदा, ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा पास अंडर रूट 3। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट इसमें है पार्ट नंबर 2 अंडर रूट 21 अंडर रूट 9 ओवर 63। जब 21 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 3 3। ट्वेंटी वन है तो 37 का 21 एंड 3 एंड 7 इसके क्या बन जाएंगे जी, हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7, ये फैक्टर बन गए। मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 एंड 3। 63 के फैक्टर बनाएंगे हम तो वो हमारे पास क्या आएंगे, 63 के 3 2 6 3 1 3 7 एंड 3 1। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इसके फैक्टर बन गए। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, और नीचे वाली वैल्यू को भी हम हर वैल्यू को लहदा लहदा लिख लेंगे, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 7 इस 7 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, उसमें देखते हैं हम पार्ट नंबर 3 में है 5 2 4 3 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15 2 4 3 हमारे पास है, हम इसके क्या बनाएंगे फैक्टर। तो एंड पे इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 3 पे डिवाइड होगा, अगर इवन नंबर होता तो 2 पे डिवाइड होना था। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए 3 9 3 3 एंड 3 1। तो इसके फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और साथ इसकी जो हमारे पास x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू 10 एंड z की वैल्यू 15 भी आ जाएगी। ये वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 5 और अंडर रूट 5 आ जाएगा। बाकी अब ये इसका अंडर रूट है तो x की पावर 5 ये अंडर रूट में, z y की पावर 10 अंडर रूट 5 एंड z की पावर 15 अंडर रूट 5, हर एक अंडर रूट आ गया, ये इससे अंडर रूट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। इसके ऊपर 5 है, ये अंडर रूट इस ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो x आ गया। y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, 5 1 था 5 3 का 15, 5 1 था 5 2 का 10 आ गया। 3 x y की पावर 2 एंड z की पावर 3, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हमने क्या किया, इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर लिखे, और फैक्टर का 3 की पावर 5 बनी, और ये इससे अंडर रूट से कैंसिल होकर 3 आ गया।
एक्स की पावर 5 थी, उसका लहदा करके हमने अंडर रूट लिखा, 3 की पावर 5 आया, वो 5 5 से कैंसिल होके आंसर आ गया। फिर वाई की पावर क्या थी हमारे पास, 10, वाई की 10 को लिखा और उसका अंडर रूट 5 लिया, तो 5 10 से कैंसिल होके आंसर 2 आ गया। जेड की पावर 15, उसको 1/15 मल्टीप्लाई उसका अंडर रूट 1/5 था, 5 15 से कैंसिल हुआ, आंसर 3 आ गया। ये था हमारा पार्ट नंबर 3, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में है जी हमारे पास ये पार्ट, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 जो है 4/5 अंडर रूट 3 1 2 5। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे जी 5 आएंगे, 4/5 इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 4/5, तो 5 की पावर 3 और ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये मैं डिडक्ट कर दिया एक स्टेप, जो आंसर आ जाएगा इसका 4/5 मल्टीप्लाई 5 कैंसिल होके 4 आंसर आ गया इसका। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 भी सिंपल सा है, उसमें 21 के फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 के फैक्टर हैं, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो इसको जब हम लहदा लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7, ये जो 3 मल्टीप्लाई 3 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 7 मल्टीप्लाई 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो ये जो 2 है ये अपने स्क्वायर से अंडर रूट से कैंसिल, ये अपने अंडर रूट से कैंसिल, और 3 मल्टीप्लाई 7 आंसर आ जाएगा 21। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद जो सेम वैल्यूज हमको अंडर रूट पे लिख लिया, उसको अंडर रूट पे लिख लिया, दोनों का स्केयर अपनी अपनी जगह पे आ गया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा से लेंथी पार्ट्स में शामिल हो जाती हैं, तो इसमें है जी फर्स्ट क्वेश्चन 45 -3 20+4 √5। 45 के फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे जी, 45 3 1 3 5 3 5 and 5 1, 3 multiply 3 multiply 5 -3। 20 के फैक्टर क्या बनेंगे जी, 20 10 2 5, तो 2 multiply 2 multiply 5, 4 √5 हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2 बनेगी और अंडर रूट 2 आ गया इसका, अंडर रूट में आ गई, लहदा कर लिया हमने, ये अंडर रूट 5 लहदा हो गया, 3 ये अंडर रूट 2 लहदा हो गया और ये अंडर रूट 5 लहदा हो गया, 4 √5 आ गया इसका भी स्केयर, जे स्केयर अपने अंडर रूट से कैंसिल, जे स्केयर अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3 √5 -3 multiply 2 √5 + 4 √5। यहाँ पर 3 √5 -6 √5 + 4 √5। अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है अंडर रूट 5, तो ये अंडर रूट 5 हमने कॉमन लिख लिया, 3 - 6 + 4 वैसे लिख लिया, अंडर रूट 5 कॉमन लिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 4 में 3 प्लस करें तो 7 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो ये था जी हमारा इसका आंसर, ये आप बेशक इसका लिख लें, यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं, अब हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, और उसको हम करेंगे तो आएगा 4 √12 + 5 27 के फैक्टर बनाएंगे,
33 का 9, 93 का 27 और इसके फैक्टर बनाएंगे ये बनेंगे 75, 326, 32 का 6 एंड 35 का 15, 5 एंड 5 इसके फैक्टर आ जाएंगे तो 3 × 5 × 5 प्लस 300 के फैक्टर बनेंगे। अब तो लास्ट जो डिजिट है इवन है तो उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 275 और 75 से आगे डिजिट आ जाएंगे 25, 5 एंड 5 तो इसके अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ये इसके क्या बन गए हैं हमारे पास फैक्टर बन गए हैं 300 के। अब जहाँ पे 12 के फैक्टर थे हमने बनाने तो 12 के फैक्टर हैं 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, ये 12 के फैक्टर बन गए। यहाँ पे अब अंडर रूट 2 × 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 की पावर 2 होगी क्योंकि बाहर अंडर रूट 2 है तो हमने बोला था जो हमने हमारा अंडर रूट होगा हमने उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पावर बनानी होती है 3 √5 √3 × 5 = 2 प्लस 2 × 2 × 3 × 5 = 2। अब इनको हम लहदा कर लेते हैं 4 √2 × 2 × √3 प्लस 5 √3 × 2 √3 − 3 √3 √5 प्लस 2 √2 √3 एंड 5 √2। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट तो आ जाएगा आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा 3 प्लस 5 ये 2 तो अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 आ गया और ये 2 अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5 आ जाएगा ये 2 अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2 आ गया और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ये 2 अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 = 8 अंडर रूट 3 प्लस 3 × 5 = 15 अंडर रूट 3 माइनस 3 × 5 = 15 अंडर रूट 3 प्लस 2 × 5 = 10 अंडर रूट 3। ये प्लस और माइनस की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी बाकी हमारे पास बच जाएगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 10 अंडर रूट 3। यहाँ से देखें तो हमारे पास अंडर रूट 3 कॉमन आ गया पीछे क्या बच गया 8 प्लस 10 इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18/√3। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। ये भी सिंपल हमने सिर्फ फैक्टर बनाने थे फैक्टर बनाने के बाद उनको उनके अंडर रूट से कैंसिल कर दिया और जो वैल्यू आई उनको मल्टीप्लाई किया और एंड पे हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4 है वो है जी स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास हमने ये फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये किसके इक्वल आ रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास ए की वैल्यू 3 है बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है हमने इसी फार्मूले को देख के पहले वैल्यू पुट करें वैल्यू हमारे पास बन गया फार्मूला क्या है ए का स्क्वायर तो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर 3 × 3 = 9 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 2 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 9 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर। इसमें देखें हमारे पास क्या फार्मूला है ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सेम यही फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू 5 b की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3
यानी कि बी का स्केयर आ गया हमारे पास। इसको ओपन करेंगे, टू अंडर रूट से कैंसल, फाइव आ गया प्लस टू, फाइव मल्टीप्लाई थ्री अंडर रूट में आ जाएगा प्लस टू, और अंडर रूट कट गया तो आंसर थ्री आ गया। फाइव प्लस थ्री टू अंडर रूट फिफ्टीन, ये थ्री और ये फाइव दोनों अंडर रूट में नहीं है, सिंपल वैल्यू तो एक साथ आ गई। आ गया एट प्लस टू अंडर रूट फाइव, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर फिफ्टीन। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो एट प्लस टू अंडर रूट फिफ्टीन आया, ये आपस में कभी भी प्लस नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अंडर रूट फिफ्टीन है और यहाँ पे सिंपल फाइव प्लस एट है, इनके साथ कोई अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है। ये हमारे पास ऐसे जैसे ए प्लस बी आयोटा हो या ए प्लस बी अंडर रूट में कोई वैल्यू गिवन हो, तो अब ये वैल्यू ए वाली वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ अंडर रूट नहीं है। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं, इसका पार्ट नंबर थ्री है। पार्ट नंबर थ्री में हमारे पास सेम वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। पार्ट नंबर थ्री और पार्ट नंबर वन तो हमारे पास बिल्कुल सेम था, तो चलें इसको देख लेते हैं। अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री, तो सेम वही फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अंडर रूट फाइव का स्केयर माइनस अंडर रूट थ्री का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया फाइव माइनस थ्री, तो टू आंसर आ गया। ये तो सिंपल सा था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो उसमें है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, अंडर रूट टू माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री, ये क्या आया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हमारे पास बन जाएगा। सेम ए प्लस बी ए माइनस बी इसके इक्वल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे ए का स्केयर माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री किसका स्केयर आ जाएगा बी का स्केयर, तो ये टू अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो आंसर टू आ गया, ये टू अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो आंसर वन ओवर थ्री आ गया। अब इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं तो वन होगी, इसके एलसीएम थ्री आएगा, थ्री को अंदर रखेंगे वन पे डिवाइड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आ जाएगा, थ्री को अंदर रखेंगे थ्री को अंदर रखेंगे थ्री पे डिवाइड किया वन आया, वन ऊपर वन आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा फाइव ओवर थ्री। तो इसका ये हमारा क्या आंसर आ गया जी, फाइव ओवर थ्री हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास इसमें जो है लास्ट पार्ट है, अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, तो उसकी वैल्यू पहले हम पुट करते हैं, लास्ट पार्ट की वैल्यू लिखते हैं। पार्ट नंबर फाइव है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर इसमें देखें तो हमारे पास सेम वही फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू अंडर रूट एक्स एंड बी की वैल्यू अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू अंडर रूट एक्स एंड बी की वैल्यू अंडर रूट वाई, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ गया और साथ वाली बाकी की वैल्यू हमारी वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। अभी टू अंडर रूट से कैंसिल तो एक्स माइनस वाई आ गया क्योंकि ये टू इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर है हमारे पास। अब फिर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला लिखने के बाद दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसके साथ वैसे ही आएगा, ये ओपन होगा तो एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर आ गया और ये वैल्यू अब हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे दोबारा क्या आ गया ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी सिंपल अब क्या आ गया, लेकिन इनके ऊपर क्या आ गया अब स्केयर आ गया, तो ये हमारे पास अब वैल्यूज बन जाएंगी यहाँ पर ए का स्केयर यानी कि ए का स्केयर ये एंड बी का स्केयर ये। यहाँ पर अगेन देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्केयर है ये इनके अपने स्केयर हैं, ये वाई का स्केयर इनका अपना स्केयर है, ए का स्केयर जो है वो इसके ऊपर ये आना है,
ये वाई बी का जो स्क्वेयर आना है इनके ऊपर अपना ये आना है, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4, और ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। और इसके साथ हमारा ये वाला जो है चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई, और इसका कंप्लीट होने से हमारे पास आंसर आ गया x की 4 माइनस y की 4। अगर आप इसमें देखें तो आप जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे तो इनके गिर्द आप इस तरह अगर ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये आपके लिए याद रहेगा कि आपने इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया है और उसके बाद आपके पास एंड आया, क्योंकि हमने दो दो करके सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। ये आपके है कि अगर आप इसको रिमेंबर रहे या आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लें। यहाँ पर हमारा 4.3 ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर देखते हैं।